everyone, how are you? Let's see our today's topic, and that is simple complex compound, saral vakya, sanyukta vakya and mishra vakya. And this topic we are going to see in part 1. Okay, so let's see. In exam the question will come like this: analyze the sentence, it will come for 2 marks, or synthesize the sentence, it will also come for 2 marks. So today we are going to see analyze the sentence, and in part 2 we will see how to synthesize these sentences. So analyze the sentence comes for 2 marks. In language study, or maybe this question will come for 1 mark. Okay, so first we have to know what is conjunction. If you know the conjunction, then we can easily identify which type of sentence is this. तो कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है कंजंक्शन. ये दो शब्दों को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है. तो हमें आज दो वर्ड को नहीं तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले कंजंक्शन के बारे में पढ़ना है. तो पहला कंजंक्शन कौन सा है? दैट इज कोऑर्डिनेटर. और दूसरा कौन सा है? दूसरा है सबऑर्डिनेटर. ओके, तो ये कौन कौन से कोऑर्डिनेटर एंड सबऑर्डिनेटर देखते हैं. कोऑर्डिनेटर है फॉर, देयरफॉर, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, बट, और, आइदर और, नाइदर नॉर, येट, सो. एंड सबऑर्डिनेटर में कौन कौन से डब्ल्यू एच वर्ड जितने भी, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, व्हिच, डब्ल्यू एच वर्ड. एज, हाउ, as, although, after, that, because, before, if, though, then, if, even though, so that, एक साथ, so that में dash आ रहा है, until, unless, such that. तो ये यहाँ पे दिए left side में coordinator है, right side में जो दिया है subordinator. तो ये इतने सारे अब याद कैसे रहेंगे? तो अगर कोऑर्डिनेटर्स को याद रखना है तो आप स्टार्टिंग के येलो कलर में लेटर देख सकते हो, एफ ए एन बी ओ वाई एस. तो फैन बॉयज अगर याद रखते हो तो आपको कोऑर्डिनेटर्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं. और सबऑर्डिनेटर्स अगर याद रखना है तो डब्ल्यू एच ए टी, व्हाट, बी आई टी ई एस, बाइट्स, यू एस, अस, व्हाट, बाइट्स, अस, अगर आप याद रखते हो तो आपके सबऑर्डिनेटर्स भी याद रह जाएंगे. तो हमें कंजंक्शन, हमने देख लिए कौन कौन से वर्ड एज अ कंजंक्शन के तौर पे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. तो अगर ये आपको अच्छी तरह से याद है तो ही आप इस टॉपिक को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, 2 out of 2 मार्क्स ले सकते हो. चलो देखते हैं अब एनालाइज द सेंटेंस में हमें क्या करना है. तो हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस वहाँ पे बताने. तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस वो नहीं जो हमने पढ़े थे, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नो. यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग है. और पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस को हिंदी में सरल वाक्य कहा गया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को संयुक्त वाक्य, और थर्ड कंपाउंड सेंटेंस को मिश्र वाक्य कहा गया है. तो आप हिंदी में भी ये ग्रामर पढ़ सकते हो. ओके, तो यही हमें एग्जाम में बताने के कौन से टाइप का सेंटेंस है, तो वही एनालाइज हमें करना है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. हम ग्रामर रिलेटेड और राइटिंग्स के रिलेटेड वीडियो यहाँ पे बनाते हैं. ठीक है, तो चलो देखते हैं. पहला टॉपिक है सिंपल सेंटेंस. तो अब सिंपल सेंटेंस को कैसे ढूंढा जाए? सिंपल सेंटेंस को ढूंढने के लिए जो रूल है वो पहले हम देखने वाले हैं, किस तरह उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा. ओके, तो रूल है, इस सेंटेंस में खाली एक ही सब्जेक्ट रहेगा, एक्शन करने वाला पर्सन, उसे सब्जेक्ट कहा गया है, डूअर ऑफ द सेंटेंस. और उसके साथ में जो आएगा तो एक ही फाइनाइट वर्ब होगा. फाइनाइट मतलब जिसको लिमिट है, और इनफिनिट मतलब जो लिमिट से बाहर है. तो एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, और फाइनाइट वर्ब के आगे का जो सेंटेंस रहता है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है. तो बहुत बार एग्जाम में ये भी सवाल आता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढो. तो सेंटेंस का जो मेन रोल करने वाला जो वर्ड रहता है उसे सब्जेक्ट कहा गया, और वर्ब से आगे पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट रहता है. ओके, जो हमने सबऑर्डिनेटर्स देखे, जो हमें कोऑर्डिनेटर्स देखे वो एक भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए. तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस जब रहता है तो उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है. एग्जांपल आप देख सकते हो, शी वॉज इन अमेरिका लास्ट ईयर.
ये सेंटेंस कोई लड़की के बारे में बताया जाए तो शी सब्जेक्ट है और वो अमेरिका में थी, तो वॉज ये बन गया उसका फाइनाइट वर्ब और वॉज से आगे पूरा सेंटेंस जो है वो प्रेडिकेट। तो सिंपल सेंटेंस क्यों? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है। नेक्स्ट, मिलिन कॉट अ बिग फिश इन द रिवर। मिलिन के बारे में सेंटेंस बताया गया है, डूअर मिलिन है तो मिलिन सब्जेक्ट बन गया, उसकी एक्शन जो वर्ब बताया गया कॉट, तो कॉट ये वर्ब है तो ये एक ही वर्ब है और फाइनाइट वर्ब मोस्टली हमेशा सब्जेक्ट के बाजू में आता है और कॉट से लेकर पूरा सेंटेंस जो है वो प्रेडिकेट। तो सिंपल सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, वहाँ पे कोई सबऑर्डिनेटर नहीं होगा, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होगा, इसके लिए इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत इजी, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। तीसरा सेंटेंस, आई वॉच यूट्यूब वीडियोज डेली। आई सब्जेक्ट है, वॉच वर्ब है और वॉच से आगे पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट है, तो आई सब्जेक्ट, रिमेनिंग सेंटेंस प्रेडिकेट। तो एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, इसके लिए ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। तो बहुत इजी है सिंपल सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य को किस तरह पहचाना जाता है, क्या रूल है इसे पहचानने के। तो यहाँ पे हमेशा दो सब्जेक्ट्स रहेंगे, दो फाइनाइट वर्ब रहेंगे और एक सबऑर्डिनेटर रहेगा। सबऑर्डिनेटर जो हमने पढ़ा था, व्हाट बाइट्स अस, आप चाहो तो पीछे जाके फिर से रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो को, ओके। और इस सेंटेंस को जब हम आंसर के तौर पे लिखेंगे तब इसमें एक मेन क्लॉज रहता है और एक सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है। तो हम देखेंगे किस तरह ये सेंटेंस है, आप देख सकते हो, शी कंप्लीटेड हर एजुकेशन व्हेन शी वॉज इन अमेरिका, ओके। पहला सेंटेंस देख रहे हैं, शी सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। दूसरा दिख रहा है, शी वॉज इन अमेरिका, शी फिर से सब्जेक्ट है, वॉज फिर से वर्ब, तो दो सब्जेक्ट हो गए, दो वर्ब हो गए। और इसे जोड़ने के लिए डब्ल्यू एच ई एन वेन, डब्ल्यू एच वर्ड, वॉट बाइट्स अस का डब्ल्यू यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो ये रूल में बैठ रहा है, टू सब्जेक्ट टू फाइनाइट वर्ब एंड वन सबऑर्डिनेटर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और भी देखेंगे जहाँ से सबऑर्डिनेट हमें मिलेगा, व्हेन, तो वहाँ से सेंटेंस जो बनता है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है और रिमेनिंग जो पार्ट है, जो फर्स्ट वन, वो है मेन क्लॉज। तो आंसर में हमें इसी तरह लिखना है कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें पहला जो सेंटेंस है, शी कंप्लीटेड हर एजुकेशन, मेन क्लॉज, शी वॉज इन, व्हेन शी वॉज इन अमेरिका, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसे हमने किस वजह से ढूंढा, सबऑर्डिनेटर से, व्हेन, तो ये सबऑर्डिनेटर है वहाँ पे, व्हेन। दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं, मिलिन कॉट अ बिग फिश इन द रिवर सो दैट ही कुड गिव लंच टू हिज फैमिली। यहाँ पे देख सकते हैं मिलिन सब्जेक्ट है, कॉट फाइनाइट वर्ब है। फिर आप देख सकते हैं दूसरा सेंटेंस है, ही सब्जेक्ट है, कुड गिव फाइनाइट वर्ब से। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट मिले, दो फाइनाइट वर्ब मिले और सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया सो दैट का, व्हाट बाइट्स एस, एस से हो गया सो दैट। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है मेन क्लॉज और सो दैट से फैमिली तक का पूरा सेंटेंस है सबऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेटर हमें मिला सो दैट। तो इसके लिए ये सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। तीसरा, आई वॉच यूट्यूब वीडियोज डेली बिकॉज आई गेट मोर नॉलेज फ्रॉम इट। आप देख सकते हो आई सब्जेक्ट है, वॉच फाइनाइट वर्ब है, फिर दूसरा सेंटेंस देख सकते हो फिर से आई सब्जेक्ट है, गेट फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट मिल गए, दो फाइनाइट वर्ब मिल गए और सेंटेंस को जोड़ने के लिए बिकॉज नाम का सबऑर्डिनेटर इस्तेमाल किया, व्हाट बाइट्स अस में बाइट्स बी से हमें बिकॉज मिल गया है। तो इसी तरह पहला सेंटेंस मेन क्लॉज है और आगे का बिकॉज से लेकर इट तक का पूरा सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज है और सबऑर्डिनेटर कौन है, बिकॉज। तो इसी तरह हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फाइंड करना है, रिमेनिंग सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस, इसे मिश्र वाक्य, जटिल वाक्य भी कहा जाता है, मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। देखते हैं इसे किस तरह फाइंड किया जाए, इसे फाइंड करने का रूल क्या है, ओके। इसमें भी दो सब्जेक्ट्स रहेंगे, दो फाइनाइट वर्ब रहेंगे, बट यहाँ पे सबऑर्डिनेटर की जगह पे कोऑर्डिनेटर रहेगा। तो इसे भी आइडेंटिफाई करना इजी, जहाँ पे आप एक कोऑर्डिनेटर मिल जाता है और दो सब्जेक्ट मिल जाते हैं, दो फाइनाइट वर्ब मिल जाते हैं, तो वो सेंटेंस बन गया कंपाउंड सेंटेंस। एग्जांपल देखते हैं, शी कंप्लीटेड हर एजुकेशन पहला सेंटेंस है, शी केम फ्रॉम अमेरिका, और दोनों सेंटेंस को ज्वाइंट कर रहा है एंड,
तो इसके लिए दो सब्जेक्ट है शी शी, दो फाइनाइट वर्ब्स है कंप्लीटेड एंड केम, और एक कोऑर्डिनेटर फैन बॉयज। कोऑर्डिनेटर्स हमने याद रखने फैन, एफ ए ए से बना एंड, तो ये सेंटेंस बन गया कंपाउंड सेंटेंस। तो एग्जाम में आपको यही लिखना है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आगे डैश करके आप लिखोगे कोऑर्डिनेटर मिला एंड, एंड दोनों के दोनों सेंटेंस मेन क्लॉज है। ओके, कंपाउंड सेंटेंस में दोनों सेंटेंस मेन क्लॉज में रहते हैं। ओके, दूसरा सेंटेंस, मिलिन कॉट अ बिग फिश इन द रिवर, देयरफॉर ही कुड गिव लंच टू हिज फैमिली। तो यहाँ पे मिलिन एंड ही दो सब्जेक्ट आए, कॉट एंड कुड गिव फाइनाइट वर्ब आए, और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए देयरफॉर कोऑर्डिनेटर का इस्तेमाल किया गया है। फैन बॉयज, एफ से फॉर और देयरफॉर। तो सेकेंड सेंटेंस में हमने कंपाउंड सेंटेंस के ये हमने जान लिया। थर्ड सेंटेंस देख सकते हैं, आई वॉच यूट्यूब वीडियोज डेली, पहला सेंटेंस है, सो आई गेट मोर नॉलेज फ्रॉम इट, ये दूसरा सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस में आई सब्जेक्ट आया है, वॉच एंड गेट फाइनाइट वर्ब है, सेंटेंस को कोऑर्डिनेटर से जोड़ा गया, कोऑर्डिनेटर है, सो फैन बॉयज एस बी ओ वाई एस एस सो का इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरह दो सब्जेक्ट, दो फाइनाइट वर्ब और एक कोऑर्डिनेटर। तो इसी तरह हमें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस आइडेंटिफाई करने हैं। ओके, चलो कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एनालाइज द सेंटेंस। तो सेंटेंस है हमें, वी वॉन द मैच एज नितेश प्लेड वेरी वेल। हम देख सकते हैं वी वॉन द मैच एक सेंटेंस है, नितेश प्लेड वेरी वेल, और सेंटेंस को एज से जोड़ा गया। चलो इसे डिफाइन करते ठीक से। वी सब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस में वॉन फाइनाइट वर्ब है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए एज का इस्तेमाल किया है। फिर से नितेश सब्जेक्ट है, प्लेड फाइनाइट वर्ब है, तो दो वर्ब, दो फाइनाइट वर्ब, दो सब्जेक्ट और एज, वॉट बाइट्स अस, डब्ल्यू एच ए ए से एज हमने लिखा है, तो ये सबॉर्डिनेटर है। तो इसके लिए यहाँ पे सेंटेंस आएगा सबॉर्डिनेटर, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें ये लिखना पड़ता है कि एक सेंटेंस मेन क्लॉज होगा, एक सेंटेंस सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा। तो जहाँ से सबॉर्डिनेटर वो सबॉर्डिनेट क्लॉज, और जो रिमेनिंग सेंटेंस दैट इज मेन क्लॉज। तो वी वॉन द मैच मेन क्लॉज, और एज से लेकर वेल तक सबॉर्डिनेट क्लॉज, और ये किससे ढूंढा हमने, सबॉर्डिनेटर एज से। तो ये हो गया हमारा आंसर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सबॉर्डिनेटर था एज, वी वॉन द मैच मेन क्लॉज, एज से लेकर वेल तक सबॉर्डिनेट क्लॉज, तभी हमें दो मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, हमें इसी तरह आंसर लिखना है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, प्रसाद इज अ नाइस पर्सन, सो माई सिस्टर हैज डिसाइडेड टू मैरी विथ हिम। यहाँ पे भी दो सेंटेंस नजर आ रहे, प्रसाद इज अ नाइस पर्सन, सो से ये सेंटेंस जोड़ा गया है, माई सिस्टर हैज डिसाइडेड टू मैरी विथ हिम। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है इज, फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट है प्रसाद, फाइनाइट वर्ब है इज। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है माई सिस्टर, फाइनाइट वर्ब हैज डिसाइडेड, और इसे कोऑर्डिनेटर सो से जोड़ा गया, आप देख सकते हो। ओके, तो जब कोऑर्डिनेटर से सेंटेंस जोड़ा जाता है तो हमें वहाँ पे लिखना, ये कंपाउंड सेंटेंस है बिकॉज कोऑर्डिनेटर इज सो, और दोनों के दोनों सेंटेंस मेन क्लॉज में है। कंपाउंड सेंटेंस, कोऑर्डिनेटर सो, दोनों के दोनों सेंटेंस मेन क्लॉज में है, तो हमें इसी तरह आंसर लिखना है। ओके, और सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। सर्वेश हैज कम फर्स्ट इन जूनियर केजी। यहाँ पे सर्वेश सब्जेक्ट हैज कम फाइनाइट वर्ब है, लेकिन और कोई सेंटेंस नजर नहीं आ रहा है, तो एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, नो कोऑर्डिनेटर नो सबॉर्डिनेटर, मीन्स ये है, ये कौन सा टाइप है, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। तो हमें सिंपल सेंटेंस में क्या लिखना है, सिंपल सेंटेंस में ये लिखना है कि सर्वेश सब्जेक्ट है एंड हैज कम फाइनाइट वर्ब, या फिर आप लिख सकते हो हैज कम से लेकर जूनियर केजी तक पूरा प्रेडिकेट है। तो ये दो मार्क के लिए आने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ओनली सिंपल सेंटेंस लिखना सही नहीं रहेगा, हमें पूरा उसका डिटेल देना पड़ेगा, तभी हमने उसे अच्छी तरह से एनालाइज किया है। और एक सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, योगेश वॉज ड्राइविंग हिज कार सो कॉशियसली, ये एट द बाइक राइडर डैश्ड हिज कार। यहाँ पे सेंटेंस देख सकते हो, योगेश सब्जेक्ट है, वॉज ड्राइविंग फाइनाइट वर्ब, एक सेंटेंस है हिज कार, सो से सेंटेंस जोड़ा गया है, सॉरी सो कॉशियसली, सेंटेंस सो से नहीं जोड़ा गया, ये सो कॉशियसली के लिए इस्तेमाल किया गया है, येट से सेंटेंस जोड़ा गया है, फिर भी द बाइक राइडर डैश्ड हिज कार।
The bike rider subject है, dashed sub finite verb है. तो यहाँ पे दो subject मिले योगेश the bike rider, दो finite verb मिले was driving and dashed. और सेंटेंस को जोड़ने के लिए सो का नहीं है, येट का इस्तेमाल किया गया है. तो आप देख सकते हो तो येट आता है फैन बॉयज में, वाई येट. तो ये सेंटेंस मिल गया हमें कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटर है येट, और बाकी बचे दोनों सेंटेंस रहेंगे मेन क्लॉज. तो हमें इसी तरह एग्जाम में आंसर लिखना है, कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटर मिला येट और दोनों के दोनों सेंटेंस मेन क्लॉज. इसी तरह आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं. ओके, आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है. लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आपको टॉपिक समझ में आया है नहीं, चेक करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक आगे वाला सेंटेंस है ना, उसका आंसर देना है. और आपका क्वेश्चन है एज थैनोस स्नैप हिज फिंगर, एवेंजर्स आप अगर देखते हो तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा. एज थैनोस स्नैप्ड हिज फिंगर, जैसे थैनोस ने अपना फिंगर स्नैप किया, हाफ ऑफ द लिविंग बींग्स फ्रॉम द यूनिवर्स हैज बीन वैनिश्ड. ओके, तो ये है आपका सेंटेंस, और आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है, और इसका आंसर राइट या रॉन्ग मैं एक वीक के बाद आपको बता दूंगा. ओके, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए. ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो. लेकिन जिन्हें भी ज़रूरत है उन्हें ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो. थैंक यू वंस अगेन.